Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू गेट यूएस वीजा फॉर मर्चेंट नेवी जॉब. देखिए, मर्चेंट नेवी जॉब के लिए आपके पास यूएस वीजा रहना बहुत ही जरूरी है, और आपको पहले जानना पड़ेगा कि यूएस वीजा आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा. मैं आपको पूरा बताऊंगा, मतलब मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मुझे कैसे मिला था, क्या क्या प्रोसेस है इसका. तो गाइस, पहले देखिए, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है. फिर आपके पासपोर्ट में देखेंगे आपके पासपोर्ट में, फिर लास्ट 3-4 पेज के अंदर आपको ऐसे देखिए एक यूएस वीजा का एक स्टैम्प मिलेगा, मतलब एक स्टिकर टाइप का है, वो लोग चिपका देगा. यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स रहेगा लिखा हुआ, ये है मेरा यूएस वीजा, ठीक है. तो फिर इसका क्या प्रोसेस है, आपके पास आपका पहले पासपोर्ट होना चाहिए. फिर आपका अगर कोई भी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर आपके जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब आपके नाम पे जब आपका वेसल सब कुछ असाइन कर देंगे वो लोग, फिर कंपनी से ही आपके यूएस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है. आप खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज ये यूएस वीजा बहुत बड़ा चीज़ है. फिर यूएस वीजा फिर अप्लाई करने के बाद आपका दो इंटरव्यू होता है, एक होता है आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, और एक में आपका मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ पूछेंगे वहाँ पे, ठीक है. तो ये दो इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास कुछ भी मोबाइल वॉलेट नहीं रहना चाहिए, या फिर कोई भी बैग नहीं रहना चाहिए. फिर वो सब क्लियर होने के बाद आप आपका पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर देंगे. फिर आपके पास दो ऑप्शन रहता है कि आपका जो भी वीज़ा है यूएस वीज़ा, वो वीज़ा आप खुद आके वहाँ से लेंगे, या फिर आपके एड्रेस पे वो लोग शिफ्ट कर देगा. वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उसको लेना चाहते हैं. तो यही प्रोसेस है, आपका कंपनी से आपको यूएस वीज़ा मिलेगा, कंपनी से अप्लाई करके देगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी कोई भी कंपनी, ठीक है. और आपको जो वीज़ा मिलता है वो आपका C1D वीज़ा, मतलब मर्चेंट नेवी के लिए C1D वीज़ा मिलता है, मर्चेंट नेवी जॉब के लिए. तो यही है इसका पूरा प्रोसेस, जो मर्चेंट नेवी जॉब के लिए यूएस वीज़ा आपको कैसे मिलता है, वो कंपनी से आपको अप्लाई करके देगा, उसके लिए कोई चिंता करने वाला बात नहीं है. बट आपके पास आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए. अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको यूएस वीज़ा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यही चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बनाया था. आई होप कि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके जो भी दोस्त अभी यूएस वीजा को लेकर टेंशन में है, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए. तो आज के वीडियो यही तक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.